हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आइए, आज परमुटेशन पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट सम करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार और बच्चों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल विजय सर देवघर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही मैं इस तरह का वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। तो आइए बच्चों, सीखते हैं परमुटेशन पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट सम। पहला क्वेश्चन बच्चों, इन हाउ मेनी वेज कैन सिक्स इंडियंस एंड सिक्स इंग्लिश मैन बी सीटेड अलोंग अ सर्किल सो दैट दे आर अल्टरनेट। माने छह भारतीय और छह अंग्रेजों को एक सर्किल माने वृत्ताकार जगह में, या वृत्ताकार कुछ भी रहे, वृत्ताकार में किस प्रकार से बैठाया जाए कि वो अल्टरनेट हो। माने अल्टरनेट का मतलब एक भारतीय एक अंग्रेज इस तरह का बैठाना रहे तो किस प्रकार हम उसे बैठा सकते हैं, कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, वो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर एक कह रहा बच्चों, ये आपका सर्किल है, इसी में बैठाना है। तो छह इंडियन है और छह अंग्रेज है, तो पहले किसे बैठाना है ये तो क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। तो हम पहले अंग्रेज को बैठा सकते हैं और या भारतीयों को भी बैठा सकते हैं। चलिए पहले बैठाते हैं भारतीय को। मान लीजिए भारतीय यहाँ बैठा, एक दो तीन चार पाँच छ, ये इंडियन के लिए आई 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 आई। तो बच्चों ये छठ हो भारतीय बैठ गया। अब हमें भारतीय के बाद अंग्रेज बैठाना था। मान लीजिए अंग्रेज एक यहाँ बैठ रहा है बच्चों, एक यहाँ बैठ रहा है, 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 एक यहाँ बैठ रहा है। ये आप अगर क्रॉस दिए हैं यहाँ पर, आप अंग्रेज को बैठा दिए, तो अल्टरनेट हो गया बच्चों, एक भारतीय हो गया, एक इंग्लिश मैन हो गया। तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छः। तो यहाँ बच्चों कोई प्रतिबंध नहीं दिया गया है कि किसे पहले बैठाना था, इसलिए पहले हम अंग्रेज इंडियन को बैठाएं उसके बाद इंग्लिश को बैठाएं। आप चाहें तो पहले इंग्लिश मैन को बैठा सकते हैं उसके बाद इंडियन को बैठा सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है बच्चों। तो जब इस तरह का सवाल दिया रहे कि अल्टरनेट बैठाना हो तो उस स्थिति में बच्चों क्रमचय क्या होता है, परमुटेशन कुछ नहीं है। कितना इंडियन है, एक दो तीन चार पांच छह, से यहां छह इंडियन दिया है, तो छह इंडियन को बैठाने का तरीका हो जाए बच्चों फैक्टोरियल सिक्स। सिमिलरली छह अंग्रेज है उन्हें भी बैठाने का तरीका है बच्चों फैक्टोरियल सिक्स। ये छह भारतीय हो गया, छह भारतीयों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल सिक्स और छह अंग्रेजों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल सिक्स। दोनों को निकाल के आप इंटू कर दीजिएगा, फैक्टोरियल सिक्स निकालने आता ही है। बताएं था आपको हम कि छह इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन इंटू दो इंटू वन, फैक्टोरियल सिक्स को तोड़ दें, फिर गुना उसे इसको तोड़ना बच्चों, छः गुना पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक। अब ये सब गुना कर लिए और आंसर लिख दीजिए, क्योंकि इसे गुना करने से बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छोटा रहे तो उसको आप तोड़ के इंटू कर दीजिएगा, लेकिन जब बड़ा टर्म रहे तो इंटू करने कोई काम नहीं है। ऑप्शन में भी आपका शायद आंसर ऐसा ही दिया रहेगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 28 डिफरेंट पर्ल्स बी अरेंज्ड टू फॉर्म अ नेकलेस। नेकलेस मतलब हार बनाना है बच्चों। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, कितने तरीके से हम
28 डिफरेंट पर्ल्स, मतलब 28 अलग अलग पर्ल्स यानी मोतियों को उस हार में सजा सकते हैं। मोतियों को हार में सजा सकते हैं। तो बच्चों हार आपका प्राय इस शेप का होता है, बच्चों हार आपका प्राय इस शेप का होता है ना। तो हमें हार के लिए दिखाया जाता है जितना इस साइड मोती होगा उतना इस साइड भी क्या बच्चों मोती होगा। मतलब हमें घड़ी के सुई के दिशा में और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में भी देखना होता है, दोनों साइड मोतियों की संख्या बराबर रखनी होती है। जब हार का बात आ जाए बच्चों तो वहां पर परमुटेशन होता है, हार अगर नेकलेस शब्द यूज किया जाए बच्चों, नेकलेस रहे गार्लैंड रहे मतलब माला रहे, तो मतलब कितने तरीके से फूलों को सजाया जाए, कितने तरीके से हार में मोतियों को सजाया जाए, इस तरह से लिखा रहे, तो बच्चों वहां आपको लिखना है फॉर्मूला 1/2 factorial n-1। तो 1/2 हो गया बच्चों, और फैक्टोरियल एन माइनस वन, एन का मतलब जितना फूल दिया रहेगा या जितना मोती दिया रहेगा वो आपका एन हो जाएगा, और क्या है माइनस वन है। तो 1/2 28 माइनस वन तब हो गया 27, यानी कि फैक्टोरियल 27/2। बच्चों ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 27 को अगर तोड़ेंगे तो 27 × 26 × 25 … 1 तक जाएगा, और डिवाइड करना है मात्र हमको 2 से, तो सिर्फ 2 कटेगा, बाकी उतना गुना करना बहुत ही लेंदी होगा बच्चों। तो आंसर आपका फैक्टोरियल 27/2 आपका आंसर हो गया। तो मुझे विश्वास है बच्चों आप लोगों ने इस सवाल को अच्छी तरह से सीख लिया होगा। तो बच्चों इस तरह का सवाल यदि आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाए तो आप बनाइए और इन्जॉय कीजिए। टिल देन गुड बाय बाय।